अथ त्रिंशोध्याय श्री अस्ति अस्तिपुर नाम क्षेत्र परम पवन पंपानदी तटेरंगे सर्वप तत्र नारायण नाराण नारदेन नारदर्चिता विराजते विश्व भक्ता भी गर्वो भवद अहो मुने जवान विष्णु मैं लीलाम चक्रे स्वयं विष्णु शमयन् प्रभु नारदो नारदी सचार वने भगवान भगवान्ष्णुरप्यम नारदो वैष्णवस्तथा उभो संचेर दूर मे भगवान स्थित भगवान्मधुर प्रह नारदं वैष्णव करे स्पृशन प्रेम पूर्व कल्याणगुणसागर श्री भगवानुवाच कतरेषु लोकेशु मम मयां दुरे अत्ययां यया ब्रह्मच रुद्रश्च सर्वे देवाश्च मोहिताः नारद उवाच किं करिष्यति मां विष्णो तव मया दुरे अत्यया जितेन्द्रियं विरक्तं च नित्यानित्यविवेकिनम् श्री सद्गुरुवाच इत्युक्तो भगवान विष्णुः मोहयन्नेव मायया मंदम जहास मधुरम प्रहतम नारदम मुनिम श्री भगवान उवाच वदसि देवर्षे मम मायां दुरत्ययाम तरंती मम भक्तास्तु मामेव शरणं गताः इदं तीर्थतमं पुण्यं रम्यं पाप विनाशनं अत्र स्नानं कुरु च लोकानां पावनाय हि न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवामिच्छिलामयाः ते पुनन दुर्का लेन दर्शना देव साधवः साधूनाम संगमं नित्यं त्वादर्शोनां जितात्मनां कांक्षन्ते सर्वे तीर्थानि स्वपाप विनिवृत्तये श्री सद्गुरु वाच इत्युक्तो नारद सद्यो विष्णुना प्रभ विष्णुना विवेश पुण्यं सलिलं आत्मानं बहुमानयन् जल प्रवेश मात्रेण मायया जगति पते है कन्या भवन नारदस्तु कमलाय कमलायतलोचना स्ना लीलयाथ वस्त्र भूषिता चचार नारदी तत्र सुंदरी सुस्म क्षण अजानते हात्मु जन्म व कर्म त्रबलाबला चार बयाकुला तत्रागतो राजा कशि के केरलपाड़क ददर्श कन्यांस जहर्ष मदनाकु गांधर्वण विधानदू नाधिपह जगाम भवन हृष्ण तया रे मे दिने दिने पुत्र जनयामास कन्यामी सुंदरी तं राजस्तु गौस्म धर्म आचरन कन्यां पांड्यराज से तनयाय तथा विवाह कारयामास पुत्रस्य च महामतिः एवं भूतौ दम्पती तौ कुटुम्बासक्तमानसौ ऊषतु स्वगृहे हृष्टौ विस्मृतेवात्मनो गतिम् कर्णाटकनराधीशो युद्धाय समुपस्थितः रणे जघानपुत्रं च केरलाधिपतिम तथा स्वकुटुम्बे विनष्टे च भीता स्वराज्येते परद्रवीता पंपातट स्थित संचरती पुनः वृक्षे वृक्षे स्वृत्ता नितरा दुखिता सती तदा कशिद व्योवृद्ध तपोधन सान्त्वयामासतां राज्ञीं कृपया ज्ञानिनां वरः मुनिरुवाच किं शोचसि वृथा बाले पश्य दुःखाकुलं जगत् विद्यते सर्वतो दुःखं एतत् संसारलक्षणं सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखं दृश्यते सर्वजीवानां संसारेऽस्मिन् पुनः पुनः सुखं प्राप्यपि को हृष्येत् दुःखं पश्चात् स्थितं स्मरन् अल्पं सुखम् अतः पश्येत् विवेकी कर्मजं दृणां संसारकारणं नूनं विष्णोर्बाह्या न संशयः यस्मिन् नाना विधम् दुःखं भूयो भूयो भूयोऽनुभूयते तमेव शरणं गच्छेत् विष्णु मायाविनवरम् यत्कृपालेशमात्रेण मायां तरति दुस्तरः दुःखानि सम्भवन्त्येव नराणां पूर्वकर्मणा सर्वपापविनाशार्थं कर्तव्यं सुकृतं ततः इदं हि पावनं तीर्थं सर्वपापविनाशनम् अस्मिन् स्नानं कुरु स्मृत्वा हरिं दुःखं विनश्यतु श्रीसद्गुरुवाच एवं हि संत्वितराज्ञी विवेशसलिलं शुभं स्नानमात्रेण तस्मिन् सा नारदो भूत् पुनस्तथा तिष्ठन्तं विणया तीरे महत्त्वे स्वदत्तया विष्णुं विरोक्य देवर्षि ही नितराम लज्जितो भवत् श्री भगवानु वाचयः आगच्छसि देवर्षे तिष्ठाम्यत्र प्रतिक्रया वीणाम् ग्रहणं साधु संकीर्तनम् कुरु त्वये निर्जिता लोके मम भाया दुरे त्वद् दर्शना देव नूनम कृतार्थो हम न संशयः नारद उवाच भगवन लीलायालमते कृपा पात्रम अहं किले त्वं माया विमुधोहम कुटुंबम कृतवानहं संप्राप्य परम दुखें संसारे चर तो मम सर्वच स्वन कृपया तव केशवां मा कुरु गोविंद माया लीलामी परम तवैव कीर्तनं कुर्वन् सञ्चरामि जगत्रये श्रीभगवानुवाच यत्प्रविष्टं त्वया तीर्थं पुण्यं भागवतोत्तमा तदेव पापनाशं स्यात् मायामोहनिवारकम् श्री सद्गुवाच इुक्त भगवान विष्णु नारद न महात्मना सन्मंदम जगामस्विकेतनम भृंगपुर क्षेत्र तीर्थ पाप विनाशनमेश नारायण श्रीमा नारद नाव पूजि तस्य दर्शन मेण सर्वं दुख विनश्यति तीर्थ विष्णु मयां या विष्णु परम पदम नमः नम नमः नम श्रीहरे नम श्री 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 गोपिजीवन गोविंदा गोविंदा इति श्री कृष्ण प्रेमी महाप्रभु विरचि भवे पंचम भागे श्री भृंगपुर महात्म्यम नाम त्रिंशोध्याय जय बोलो प्रेम केन्द्र महाराज की जय